बेटी आई एम सॉरी, आई एम एसीपी जगदीश रिटायर्ड। अंजलि स्टूडेंट। प्रकृति से तुम्हें बहुत प्यार है। मुझे भी है। मैसूर सिटी से चामुंडी हिल्स, ये प्रकृति वातावरण, ये सब मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद मैं मैसूर आकर सेटल हो गया। बाय द वे, मैं आपको दो दिन से देख रहा हूँ, यहाँ आती हो बैठती हो। मैसूर तुम्हें भी पसंद है क्या बेटी? मैसूर भी पसंद है, महिषासुर भी पसंद है। What? कौन हो बेटी तुम? चामुंडी। Thank you.
देवी का कल सुबह मैसूर के एक मंदिर के सामने हुए एसीपी जगदीश के खून के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। खून का एक भी सुराग या सबूत नहीं मिल रहा है। खूनी बहुत ही होशियारी के साथ एसीपी जगदीश का खून करके फरार हो गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मामा जी। हाँ बेटी। मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। हाँ बेटे। मामा जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप तैयार होकर नाश्ता कर लीजिएगा। ठीक है, मैं खा लूंगा। ठीक है। हाँ। मामा जी, दवा लेना मत भूलना। ठीक है। अंजू, ध्यान से जाना। यार अंजलि, फेसबुक के आने के बाद लड़कियों के फेस की वैल्यू ही खत्म हो गई है। फेसबुक में लड़कों को फुल मील्स मिल रहे हैं, तो हमारे चेहरे को कौन देखेगा? हाँ यार अंजलि, मैसूर से आने के बाद तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही हो। तुम्हारा चेहरा तो गुलाब की तरह खिल गया है, क्या हुआ था वहाँ पर? बारिश में आइसक्रीम खा रही है। हाँ, वो ऐसी ही है, बारिश में तो उसकी जान बसती है। ए, तुम लोग भी आओ ना। अरे मेरी माँ, हम नहीं आएंगे। इस दुनिया में तेरी तरह अनोखा टेस्ट किसी का नहीं होगा। मेरी जैसे टेस्ट वाले इस दुनिया में बहुत लोग होंगे, पर तेरी तरह सोचने वाला कोई नहीं होगा। मेरी तरह सोचने वाला भी इस दुनिया में कहीं न कहीं जरूर होगा। At least एक तो पक्का होगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अभी मर जाता ना बेकार में। तेरे मरने के टेंशन में मैं अपना मरना भूल गया। दिखने में अच्छे खासे दिखते हो, तो मरने क्यों जा रहा था? यही बात अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम बताओगे? मुझे ना हजार प्रॉब्लम है। तुम्हें हजार प्रॉब्लम हो सही है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसा बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया नहीं। देखो, मौत से सबको डर लगता है, वो भी सुसाइड से मरना इतना आसान नहीं है। देखो, अगर मरने में हिम्मत रखते हो तो उसका चौथा भाग जीने में लगा दो, तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बी पॉजिटिव, चीयर अप ब्रदर, चीयर अप, चलो। अरे वाह बेटा, आप दोनों में परिचय नहीं है, फिर भी इनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, कौन है आप? लकी, लक्ष्मण। लक्ष्य बना लूं तो पीछे नहीं हटता, किसी को अपना लक्ष्य भूलने नहीं दूंगा। मुझे सही लगे तो चाहे जितना भी रिस्क हो लेने के लिए रेडी। कौन है रे तू? जाबाज है, दिलदार है।
धरती हमारी सबसे प्यारी कहते हम इंडियन है हाँ। इस धरती ने कितने ही वीरों को जन्म है दिया। दुश्मन भागा डर के जब बोले पेशवा, देश की रक्षा करने जब आया रणधीरा। जुल्मों का पापों का आया करने खात्मा। ए, ये क्यों कर रहे हो तुम? राम 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 लक्ष्मण करता राम 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 लक्ष्मण करता राम राम। धरती हमारी सबसे प्यारी कहते हम इंडियन है हा। जब हम चिल्लाए दुश्मन हिल जाए, दौड़ता है नसों में जुनून। इस देश को इन वीरों ने दिया अपने दिल का लहू। कावेरी गंगा यमुना है कृष्ण यहाँ ये कहूँ। जन्नत है भारत अपना देवों का लोग कहलाता है। जन्नत है भारत अपना देवों का लोग कहलाता है। बस मन में आ कह दे जय भारत माता की। हे, ये क्यों कर रहे हो तुम? राम 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 लक्ष्मण करता राम 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 लक्ष्मण करता राम राम। के छोड़े स्वाभिमान है इस धरती पे। संग में रहते हैं मिलजुल के सब धर्म यहाँ पे तोरे। पूजते हैं ये जमीन कहते हैं ये माँ सब की। जन्नत है भारत अपना देवों का लोग कहलाता है। जन्नत है भारत अपना देवों का लोग कहलाता है। बस मन में कहते जय भारत माता की। ए, ये क्यों कर रहे हो तुम? राम 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 लक्ष्मण करता राम 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 लक्ष्मण करता राम राम। धरती हमारी सबसे प्यारी कहते हम इंडियन है। बेटा जब आपका हाथ का काम चल रहा था तब आया। वो तो रोज का काम है ना बेटा। सुब्बू, तुम्हें देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो क्यों? आंटी इतनी सुपर है, उनके लिए इतनी मेहनत भी करते हो तुम, तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वो इतना आसान थोड़ी है बेटा, उसके पति को मानना होगा।
तेरी माँ को मानना होगा। सुनिए क्या हुआ जी, किसे मनाने की बात चल रही है? वो कुछ नहीं है माँ, पापा सामने वाली आंटी पर लाइन मारते हैं ना, अगर तुम परमिशन दो तो पापा को सेहरा पहनाकर इनकी दूसरी शादी करवा देंगे ना। वही तो बेटा, मैं कैसे डील करूँ वही सोच रही हूँ। इसमें डील करने जैसा क्या है माँ, डायरेक्ट जाकर उसके पति से उसकी पत्नी का हाथ मांग लो ना। अरे लक्ष्मण, आखिर हम तो लड़के वाले हैं ना, अगर हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? उन्हें चाहिए तो वो खुद आएंगे। किसकी शादी है माँ? भैया की। घर में बड़े जब पापा हैं तो मैं तो छोटा हूँ, फिर कैसे शादी कर सकता हूँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस डैडी, आप फिर से शादी कर रहे हो क्या? क्या करूँ बेटी, अरे तेरी माँ और भैया बहुत फोर्स कर रहे हैं ना, मेरा दो दो घर बसाने का इन दोनों का प्लान है। हेलो, दो दो घर नहीं, तुम्हें इस घर से बाहर निकालना है। नहीं, क्या नहीं? मुझे इस होम मिनिस्टर की बात पसंद नहीं है, मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सुपर, तुम इस बात पर कायम रहना, तुम्हारी दूसरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी। वेरी गुड बेटा। अंकल। अंकल को क्यों बुला रहा है? शादी की बात करनी है ना। बोल पुत्र, क्या हाल है? शादी शादी शादी, किसकी शादी? मेरे बाप की, आंटी से शादी शादी शादी। अभी आ रहा हूँ। हाँ आइए आइए। मुझे सब पता है, तुम सब मिलकर मेरी बलि देने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे नहीं जी, वो सरदार जी आएंगे तो उनकी बीवी की कुंडली मनवा कर डिटेल में बात करेंगे। परेशान मत होइए जी, ऐसा नहीं है जी। मुझे नहीं। ए भैया क्या चल रहा है? लोहो, लड़कियों के साथ चैटिंग। चैटिंग हो या मीटिंग हो छोटी की तरह रहो। ओके जाओ यहाँ से। हाँ, बेंगलोर में कॉलेज का एप्लीकेशन भर रहे हो? नो नो नो, तुम कहीं नहीं जाने वाले। हम सबको यहाँ छोड़कर तुम बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लोगे? हम सबकी परमिशन लिए बिना तुमने इस कॉलेज में अप्लाई कैसे किया? हा? अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं जी? तो अब तुम थोड़ा चिल्लाओ, मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है छोड़ो, मैं ही चिल्लाता हूँ। ए लक्ष्मण, अब इतने बड़े हो गए हो तुम, किसी से पूछना किसी को बताना जरूरी नहीं समझते? बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लेने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? हाँ डैडी, ये तो थोड़ा ओवर हो रहा है ना। ऐसा क्या? हाँ तो वो आपको अपने जाल में फंसा लेगा, संभल कर। माँ प्लीज माँ, मैं बैंगलोर भेजने के खिलाफ हूँ। पापा प्लीज पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे थोड़ा फ्रीडम दो ना पापा। फ्रीडम के लिए तुम हुबली से बैंगलोर जाओगे क्या? क्या मैंने तुम्हें कॉलेज जाने से मना किया है? कॉफी डे जाने से मना किया है? सिनेमा हॉल जाने से मना किया है? कभी लड़कियों पर लाइन मारने के लिए मना किया है? तुम वहाँ जाकर जो भी करने का सोच रहे हो सब यही करो। पापा हा? चैटिंग में बैंगलोर की कोई लड़की मिली होगी, पूछो इससे जरा। क्या चुगली कर रही हो तुम? उस पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देखो तुम्हारा हमारे साथ रहना जरूरी है, बस। जिद मत कर लक्ष्मण, तुम वहाँ हम यहाँ, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे बेटा। माँ प्लीज माँ। सुब्बू प्लीज सुब्बू। ठीक है तो फिर जाओ, हमारे बिना कितने दिन रह पाओगे हम भी देखते हैं। जाओ। यस। ए देखा ना तूने, देखा लकी, यहाँ तो तूने किसी लड़की से प्यार नहीं किया, बैंगलोर की किसी लड़की से जरूर प्यार कर लेना, प्लीज प्लीज बेटा। सुबह बैंगलोर घूमने आए हो क्या? नहीं, खरीदने आए हैं, तुम दिलवाओगे क्या? क्या सर, मजाक उड़ा रहे हो? सुनिए, इसकी बात का बुरा मत मानना, वो मेरा गुस्सा आप पर निकाल रहा है बस। मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूँ, मेरे लिए आप लोग गांव छोड़कर आ गए वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माँ। अरे बेटा, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए साथ चले आए हैं, कैसे बात कर रहे हो तुम? उसके लिए ट्रांसफर लेकर आना जरूरी था क्या? ट्रांसफर क्या, मैं तो नौकरी से रिजाइन भी दे सकता था, हम तुमसे अलग नहीं रह सकते बेटा। बेटे से कितना प्यार करते हैं आप लोग। वैसे सर आप होबली में क्या काम करते थे? हाँ मैं सामने वाली आंटी पे लाइन मारते थे। लाइन मैन हो आप, सैलरी कितनी है सर? आस्था बंद करोगे तुम लोग? ये क्या है भाई, इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी? क्या सीएम आने वाले हैं? सीएम नहीं सर, देसाई। कोई मंत्री है क्या? मंत्री नहीं सर, बहुत बड़ा डॉन है, अगर आप उसके रास्ते में आए तो आपको काट कर रख देगा। भगवान, उसके सामने सवाल करने वाला कोई नहीं है सर,
वो पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखता है। अगर वो चाहे तो भैंस चराने वाले को एमएलए बना देगा, झाड़ू लगाने वाले को कॉर्पोरेटर बना सकता है। सर, बेंगलोर की इस पवित्र जमीन को खा जाने वाला बकासुर है वो, पता है? क्या वो इतना बड़ा गुंडा है? इतना ही नहीं सर, दाऊद और उसका लिंक भी है। अच्छा? आप बेंगलोर में नए हो इसलिए बता रहा हूँ। देसाई ये नाम सुनते ही आप शांत हो जाना। भगवान। अरे भैया, ए लक्ष्मण, अब वो नहीं आने वाला। बारिश के रुकने तक अब ये नहीं आने वाला। मैं हूँ भाई। तू है? हाँ भाई। थूत तेरे ऊपर, तुझे देखने के लिए पूरी तैयारी से आया मैं। हाँ, मेरे एरिया में आकर मेरे लड़के को मारता है। वो ना हमारे एरिया की लड़की को छेड़ रहा था इसलिए। वो तेरी माँ लगती है कि बहन लगती है? देखने में तो हड्डी लग रहा है, खुद को बड़ा भाई समझता है क्या तू? भाई भाई भाई, कॉलेज में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कॉलेज में नहीं तो बाहर चल। अजय देवगन से मार खाया होगा, अक्षय से मार खाया होगा, ऋतिक से मार खाया होगा, शाहरुख से मार खाया होगा, सलमान से भी मार खाया होगा, लेकिन इस राका की मार जबरदस्त होती है। कुत्ते, राका नहीं, राका भाई बोल। ऐसे ही पैदा नहीं हो गया था मैं, जिगरा लेके पैदा हुआ था ये राका। हेलो, आई एम राका फ्रॉम आचार्य कॉलेज। एम्बुलेंस। ओए, मैं बात कर रहा था ना, मैं बात कर रहा था ना, बीच में तुझे नहीं आना चाहिए था ना। जिस जिस का जो पार्ट गिरा है वो अपना पार्ट उठाकर एम्बुलेंस में घुस जाओ। शेर से लड़ने चूहे नहीं आते। चलो अंदर, चल बापरे, चल जल्दी ले, चल, मर गया। ये क्या रहा है, एम्बुलेंस में ही तेरा ऑपरेशन कर डालूंगा। यो बे, थोड़ा सा डायलॉग, थोड़ा सा एक्शन बोला था ना, तू तो सलमान खान बन गया बे। सॉरी भाई, मैं इमोशन में थोड़ा ज्यादा बह गया था। भाई, कॉलेज में अब से मेरा ही राज चलेगा। ये लीजिए भाई, आपकी पेमेंट 10,000। 10,000 ज्यादा है ना, फिर भी रख लो भाई। मेरी जात का तूने जितना मारा उसके लिए ये 10,000 दे रहा है। भाई भाई भाई, ये मतलब भाई भाई, ये छोड़ दे भाई, छोड़। ये एक्टिंग के लिए और ये फाइटिंग के लिए। चूहे की औलाद मुझे मारकर हीरो बनने चला है तू। ओए, अगर दोबारा कॉलेज के पास नजर आए तो हड्डी तोड़ दूंगा, भागो यहां से। फ्रेंड्स, बैंगलोर का एक ही डॉन है और वो है मेरा भाई देसाई, कॉलेज का इकलौता डॉन और उसका छोटा भाई राका।
देसाई की तरफ से मैं आप लोगों के बीच में हूँ, अब आप लोग क्लास में जाओ, ठीक है? क्या फाइट की है भाई, फाइट पंच डायलॉग, वाह सुपर भाई, बिल्कुल एक्शन फिल्म की तरह लग रहा था। 10,000 में भी ऐसी लाइव फाइट देखने को नहीं मिलेगी भाई। 10,000 नहीं बे, 80,000। भाई 80,000, आप इतना करेक्ट कैसे बोल रहे हो भाई? आपके गले में गोल्ड चैन थी ना, वो कहाँ है? फाइट करते वक्त इधर उधर गिर गई होगी, जाओ ढूंढो और रख लो, जाओ चलो ढूंढते। क्या हुआ बच्चे, अमूल बेबी की तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? मोबाइल। ओ नहीं दूंगा, छीन लूंगा। हाँ छीनना तो दूर, टच करके दिखाना। ओए देख क्या रहा है, देखा नहीं क्या मेरा? क्या देख रहा है तुम्हारे गाल पर? उसको बोला था मत मारो। ओए ये किक नहीं है, टैटू है, टैटू। पता है तुम्हारा 10,000 प्लस चेन पावर। इसको तो सब पता है, इसे तो किसी भी तरह से अपनी पार्टी में लेना पड़ेगा। ओए तू जानता नहीं है, बेंगलोर में सबसे बड़ा डॉन देसाई है, पता है ना? मैं उसी के साइड से हूँ। ओ ना तेरा भाई का पता है ना तेरे भैया, समझे साले कहीं के? अरे साला। बॉस कॉलेज में इमेज बना रखी है, किसी को मत बताना, बड़ी मुश्किल से बनाई है, प्लीज बॉस प्लीज। आपके सामने मैं हमेशा ही झुक कर रहूंगा। और आका ज्यादा झुक मत, पीछे हमेशा अच्छे लोग नहीं होते हैं। अंजलि बुद्ध को फूल चढ़ा रही हो? क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? जो बुद्ध के बारे में जानते हैं वो नहीं चढ़ाते, मैं चढ़ाती हूँ। बाप रे तेरी अनोखी टेस्टों में ये भी है। चलो ठीक है, बुक रिटर्न करते हैं। मैं वो बुक भी लूंगा मैम। ओके ये लीजिए मैम, दूसरी बुक मैं कल रिटर्न करूंगी। हाँ थैंक यू। एक मिनट मैम, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बहुत पसंद हो। देखिए गलत मत समझिएगा, जैसे हम लोग कुछ अच्छा देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, बस वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल पसंद है, चार मीनार पसंद है, ये लाइब्रेरी पसंद है, ये और हाँ ये फूल भी पसंद है। वैसे ही मैंने जब आपको पहली बार देखा था, आप बारिश में बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रही थी, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी आपकी तरह छोटे मोटे शौक है। मेरी एक छोटी बहन है, वो मुझे हमेशा बोलती है कि तुम्हारे जैसा पागल टेस्ट वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वन मिनट सिस्टर, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए आप कौन हो मैं नहीं जानता, मैं कौन हूँ आप नहीं जानते, कुछ बोलने का मन किया इसलिए बोल दिया। देखिए इन बातों को दिल पर मत लीजिए, यहीं भूल जाएगा। ओके बाय सिस्टर, बाय बाय। इतना डिटेल्स देने के बाद कौन सी लड़की से भूलेगी? हंसो हंसो, तेरे टेस्ट वाला कोई मिल गया सोच के मुस्कुरा रही है ना। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, क्या रे मेकअप रानी? ए बंदर, क्या माँ हस्बैंड वाइफ मिलकर पौधों की सेवा कर रहे हो? बेटा वो लड़की कौन है? कौन लड़की? नहीं सुब्बू ये कंफ्यूज मत हो तुम, ये तुम्हारी धर्मपत्नी है, माय स्वीट मदर है ये। ए, मैं तेरी माँ के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तेरे बच्चे की माँ के बारे में पूछ रहा हूँ। सुब्बू तुम मेरी इंसल्ट मत करो सुब्बू। लाइब्रेरी में तुझे जिसने चाटा मारा वो लड़की। चाटा मारा था? हाँ। उस गधी ने बताया होगा ना? उस लड़की ने सच में तुम्हें मारा था? क्या माँ तुम भी? शर्म आनी चाहिए, शेम शेम। अरे किसी आंटी से पिट कर आता तो भी चलता, हे भगवान किसी लड़की से मार खा कर आया ना तू? ओ माय गॉड इट्स सो बैड। सुब्बू तुम किसकी बातों में आ गए, तुम तो जानते हो ना। जो भी हो लक्ष्मण, हम हुबली से बेंगलोर आए हैं लड़की से मार खाने के लिए क्या? अरे नहीं उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा होगा, मुझे नहीं। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ उस लड़की से बात की है? नहीं बात किया ना, बोला कि तुम्हारा टेस्ट और मेरा टेस्ट मिलता है, बोलो बस इतना ही। मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों लवर्स बन गए तो बारिश जब आएगी तो बुखार चढ़ने तक हम दोनों उस बारिश में आइसक्रीम खाएंगे, यही बोला ना? सुबह प्यार व्यार कुछ नहीं है समझे, मुझे आपका टेस्ट पसंद है बस इतना ही बोला। भैया तुमने उस लड़की से बात की या नहीं यही जानने के लिए हमने छोटा सा नाटक किया था, आप तो फंस गए। छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे छोड़ दो बेचारी को भैया, वो चैटिंग वाली ही है ना? चैटिंग वाली? हाँ वही वही। अब नया नाटक शुरू मत कर, तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं होता। इतने दिनों से तो मेरी टांग खींच रहा था ना, अब तेरी बारी है बेटा। क्या है
ओए चिका, हेलमेट पहन वरना आउट हो जाएगा मेरे भाई। आउट हो जाएगा चलेगा बॉस, पर खुद की गाड़ी पर हेलमेट नहीं पहनूंगा। फिर हाथ में क्यों रखा है हेलमेट? सेफ्टी के लिए। बाबा बाइक वाले सब समझदार हो गए हैं, अब ये टशन मारना जरूरी है क्या? ये टशन आपके लिए है। ओह, गाड़ी तुम चला रहे हो तो मुझे कहाँ से मिलेगा टशन? पीछे बैठने वाले को ओनर और चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं ना बॉस। यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? रुकी नहीं है बॉस, रोकी है। क्यों? नई गाड़ी है ना पूजा करने के लिए। ओ, पूजा क्यों कराते हैं? गाड़ी को कुछ नहीं हो इसलिए। मतलब तुम्हें कुछ हो तो चलेगा? मुझे कुछ ना हो इसलिए बॉस। तो फिर गाड़ी को कुछ हो जाए तो चलेगा? गाड़ी को और मुझे दोनों को कुछ ना हो इसलिए बॉस। तूने किसी को ठोका, उसे कुछ भी हो चलेगा? गाड़ी को भी मुझे भी, ठोकने वाले को और ठोकने वाले को, किसी को कुछ ना हो इसलिए बॉस। मतलब मैं माँ कसम मुझे पूजा नहीं करवानी है बॉस, चलिए चलते हैं यहाँ से। ए, मंदिर तक आकर बिना पूजा किए नहीं जाना चाहिए, चलो अंदर चलें, आओ। मैं भी तो यही बोल रहा था। हाय हाय बेबी, क्या नाम है आपका? यशस्विनी। सच अ क्यूट एंड स्वीट नेम। अंकल को बाय बोलो। बाय। आजा बेटा। अरे वो देखो तो कितना सुंदर है ना। अंदर है। अरे हाँ? उधर देखो। हाँ? हमारे बेटे लक्ष्मण की तरह दिख रहा है ना। लक्ष्मण जैसा नहीं, वो अपना लक्ष्मण ही है। हमारा बेटा कॉलेज बंक करके हाँ? यहाँ क्या कर रहा है? बोला था ना भाई, हाँ? एक लड़की से चैटिंग करता रहता है, ये वही लड़की है। ये मैटर है। हाय। आप इतनी जल्दी भूल गई? वो मैंने कल लाइब्रेरी में भूल जाइए ये बोला था ना। ओ हाँ, याद आ गया। ओ मतलब अभी तक आप भूली नहीं हो। अभिषेक करने आए हो या अर्चना? पापा आप कब आए? बेटा तुम मंदिर में वरमाल एक्सचेंज तो करने नहीं आया ना? पापा ये लोग, ये मेरे पापा, ये मेरी माँ और ये मेरी बहन गधी। ओ हम दोनों की टेस्ट बहुत मिलते हैं, कमेंट करने वाली यही है क्या? हाँ वही, तुम दोनों का एक ही टेस्ट है ना, इसलिए तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ? ओहो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ये पूछ रहे हैं बस। हाँ? हमारे बारे में इसने तुम्हें कुछ बताया? आपके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। हाँ? मेरे बारे में क्या बताया? अरे वही चैटिंग, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। व्हाट्सएप, फेसबुक। उन्हें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो पापा? आपको दर्शन के लिए देरी हो रही होगी, आप जाइए। एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अंजलि। एक बार घर जरूर आना। हाँ ठीक है। ओए लक्ष्मण, लड़की तो बहुत सुंदर है, तू बस हाँ बोल, मैं तेरी शादी करवा दूंगा उससे। पापा हा? वो मेरी फ्रेंड है बस, हमारे बीच कुछ नहीं है, वो मेरी क्लासमेट है। अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो मानोगे नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए उस भगवान को खुद नीचे आना होगा। बॉस कल आप लाइब्रेरी में अंजलि सिस्टर को बोल रहे थे ना, स्माइल पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, वो भगवान को फूल चढ़ाने आई है, आप पीछे से जाके ना उसे माला पहना दो, काम बन जाएगा। अरे इतने टेंशन में क्यों है यार, ये जूनियर आर्टिस्ट लोग कौन है भाई? क्रिकेट खेलते वक्त अगर ऐसी क्रीम लगाए तो वो ओके है, कॉलेज में क्यों लगा कर आते हो? कॉलेज आते समय काला ना हो जाऊं इसलिए ये क्रीम लगाया है। तो उस जगह पे गोरा हो जाएगा क्या? तू बिल्कुल करना। भाई डाका भाई, मार दिया भाई, मुझे मार दिया भाई। किसने? भाई उस मोटे ने मुझे मार दिया भाई। तू खुद मोटा है, तुझसे मोटा कौन है रे? भाई वो देखो, वो मोटा कुमार। hey, क्या है ये सब, जा दूसरा लेकर आ। ये इसे मेरा नाम बताना चाहिए था ना। आपका नाम बताया तो एक्स्ट्रा थप्पड़ मारे भाई। सरनेम बताना चाहिए था ना। सरनेम बताया तो उछल उछल कर धो धो कर मारा भाई। ए, देसाई का आदमी हूँ और मेरे आदमी पर हाथ उठाया, इस कॉलेज कैंपस में मेरी जानकारी के बाहर क्या हो रहा है? चलो यही है भाई। तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ क्यों मारा? ऐसे ही मारा। ऐसे ही मारा या इसने कुछ किया इसलिए मारा? इसने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही मारा। सच बता दो, मैं फाइनल पूछ रहा हूँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ, ऐसे ही मारा या कोई बात थी? ए, कितनी बार बताऊँ तुझे, मैंने ऐसे ही मारा। ऐसे ही मारा था, ओके। ए, ऐसे ही मारा था रे, कोई बात नहीं, ओके। भाई चल। भाई भाई आपने उसे मारा भी नहीं है और ऐसे ही चले आए आप। ओए
ऐसे ही इतना मारा है तो वो गुस्से में किस रेंज से मारेगा? वैसे भी दिखने में सांड लग रहा है वो। आ गई क्या? शांत हो जा वरना काट डालूंगा। तू चिल्लाएगा तो आवाज, मैं चिल्लाऊंगा तो बिजली। ये अपनी तरफ क्यों आ रहा है? चलो भाग चलते हैं हम लोग। भाई सारे लोग हमें ही देख रहे हैं, इज्जत जा रही है हम सभी की। भाई अब तो कुछ करो भाई। अब मेरा हाथ छोड़, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ ना। भाई मैंने आपका नहीं, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। भाई गलती उसने की है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे उसे जाकर मारना। तू यही खड़े रहना, कहीं मत जाना। पहले इन्हें समझा कर आता हूँ, फिर तुझे देखता हूँ। रुक तू। प्लान वर्कआउट हो गया। क्यों मुझे इतना गुस्सा दिलाते हो? मैं योगा करके गुस्से को कंट्रोल करता हूँ, वरना आज तो इसकी। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय, आइए बैठिए। जब देखो तब लाइब्रेरी के आसपास ही दिखाई देती हो। बुक्स इतने अच्छे लगते हैं क्या? नहीं, मुझे लाइब्रेरी पसंद है। क्या बात है, मुझे भी ये लाइब्रेरी बहुत पसंद है। ओके। हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है, ये बात काफी इंटरेस्टिंग है ना? और एक जैसे टेस्ट वाले लोगों का मिलना भी बहुत थ्रिलिंग होता है ना? एग्जैक्टली। बाय द वे आई एम लकी लक्ष्मण। अंजलि कल मंदिर में बताया था ना? अच्छा, यहाँ तो अच्छे से बात कर रहे हो, और वहाँ मंदिर में घबराए हुए क्यों थे? वो ना, आप भी ना इसलिए। हाँ? What? हाँ कुछ नहीं, मेरे मम्मी पापा को जान पहचान की जरूरत नहीं है। जो भी मिलता है उनका इंटरव्यू लेकर रोज मुझे पकाते हैं। हाँ अगर मुझे किसी लड़की से बात करता देख लिया तो कहानी खत्म। वैसे मेरे मम्मी पापा ने जो कल बात की उससे आपको हर्ट हुआ क्या? नहीं। पापा मम्मी इनके साथ खुश रहना मुझे भी पसंद है। एग्जैक्टली। देखो यहाँ भी हमारी टेस्ट कितनी मिलती है, तब तो आप भी अपने मम्मी पापा के साथ मस्ती मजाक करती होगी ना? करती थी। बहुत खुश रहते थे, लेकिन लेकिन सॉरी अंजलि, तुम्हारे मम्मी पापा की याद दिलाकर मैंने दुखी कर दिया। भूलूंगी तो याद करूंगी ना, वो मेरे साथ नहीं है, ये बात हमेशा छुपती है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि वो नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं, बस आंख बंद करके उन्हें याद करो। तुम खुश रहोगी तो वो भी खुश रहेंगे, और तुम दुखी रहोगी तो वो भी दुखी होंगे। हाँ वो तुम्हारे साथ नहीं है ऐसा मत सोचना, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं। थैंक यू। अंजलि क्या हुआ बेटा, आज बड़े खुश नजर आ रही हो। तुम्हें आज तक मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा, भगवान करे तुम्हारी खुशी को नजर ना लगे। नहीं मामा जी, देसाई और उसके लोगों को मारकर ही मुझे खुशी मिलेगी। देसाई को मारने का अच्छा मौका हमें आज मिल गया है बेटी। हाँ? वो देसाई मैजिस्ट्रेट के पास वाली एक जमीन को खरीदने के लिए एक सेठ को अच्छा ऑफर देने वाला है, और उस सेठ की देसाई से लड़ने की ना हिम्मत है ना ताकत, इसलिए उस सेठ ने रातों रात उस जमीन को बेचने का फैसला ले लिया और उस जमीन को बेच दिया। अब वो लैंड सेट के पास है, और कुछ भी करके देसाई उस जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने लोगों को जरूर भेजेगा, और उसी मौके का हमें फायदा उठाना है, और फिर दोनों गैंग के बीच जरूर एक गैंग वॉर होगा, और उस वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई ना कोई हमारे हाथ लगना चाहिए।
ओए, ये जगह हमारी है, 5 मिनट के अंदर ये जगह खाली कर दो। खाली नहीं किया तो? ओए, तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ए, ये जगह सोमन्ना के नाम पर है, उसके ही नाम से रजिस्टर है। चाहे किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो, भाई का नाम सुनते ही खाली करना पड़ता है। उसके पाले हुए तुम लोग कैसे इस जगह को खाली करवाते हो, देखते हैं हम भी। देखो, मैं कह रहा हूँ शेर से पंगा मत लो। जो होगा देखा जाएगा। आपने देसाई का कॉम्प्लेक्स खरीद लिया, अब देखा ना क्या हो गया। उसने आपके लोगों को मारकर आप पर ही केस कर दिया। सच्चाई ये है कि देसाई भाई का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरी बात मानिए, इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। नहीं छोड़ूंगा, वो साला कुत्ता मेरी हर जगह पर मेरे हर बिजनेस के बीच में टांग अड़ा रहा है, उसको सबक सिखाना ही होगा। लेकिन उससे पहले कोटी और मारी को मारना होगा। आप सही बोल रहे हो भाई, पहले कोटी और मारी को खत्म कर देंगे तो उस देसाई को आसानी से खत्म कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा है, वो देसाई 100% वहां जरूर आएगा। उसको वहीं पर खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। सुपर, बनाओ बनाओ। ओए पुलिस, यहाँ भी तलवा चाटने आया है क्या? क्या हुआ सुमा? बैठो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे हर काम में आड़े आ रहा हूँ। तुम्हारे लोगों को मार दिया ये जानकर तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना? मेरे टुकड़े टुकड़े करके उसकी बोटी बनाकर कुत्तों को डालने का मन करा होगा ना? तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता। तुम लोग लोकल गुंडे, इन सब सामान का अच्छा इस्तेमाल करते हो, क्या सही बोल रहा हूँ ना? हथियार चलाओ तो दाग नहीं लगना चाहिए, लेकिन मर्डर होना चाहिए। ए सुमा, इस सस्ते आइटम से हम नहीं मरेंगे यार। ये परफेक्ट है, मेरे लिए मंगवाया क्या? ये छुरी तलवार गन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर ये है ना, सही जगह पर लगाया तो समझो टोटली ब्लास्ट। ओए सोमा, तुझे तो पता था ना कि मैं वो जगह खरीदूंगा, फिर भी तूने खरीद लिया। पेपर किधर है? जस्ट 15 सेकेंड्स, उसके बाद या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा, ये मैं डिसाइड करके आया हूँ। पर मेरी एक बात मान, हम दोनों ही मर जाते हैं, हम दोनों के मर जाने से हमारे बाद लोग शांति से रहेंगे। 6 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, मैं करता हूँ।
ए सोमा, शादी करनी हो तो अच्छा कमाना होता है, और अगर तलवार पकड़नी हो तो हिम्मत दिखानी होती है। मैं मौत से नहीं डरता, तुझे इसी वक्त यहीं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फील्ड में अपोजिशन भी होना चाहिए। तुम ऐसे ही बार बार मुझे उकसाओगे तो मेरा ब्रेन और शार्प होता जाएगा। तू अगर सच में मुझे मारना चाहता है तो परफेक्ट प्लान कर। ओए, अगर मुझे खत्म करने का प्लान करना है तो मुझे कॉल करना। अरे पुरानी चीजों को उठाकर क्यों रख रही हो? हाँ, उठा के फेंक दो। तब तो इनमें से सबसे पुराने तो आप हैं, तो सबसे पहले आपको फेंक दूँ? माँ, सोच समझ कर डायलॉग बोला करो, अगर तुम फेंकोगी तो पापा को कैच करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। माँ बेटी को अब मैं ही बकरा मिलाऊं क्या? ए, रुको, इस तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पापा, वो ना। इधर आओ। अरे ये क्या सर पर पट्टी? कुछ नहीं है माँ। अरे ये क्या हुआ बेटा, देखो ना इसे। ये क्या हो गया? माँ इतनी छोटी सी चोट पर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पहले ये बताओ कि ये घाव हुआ कैसे? सुब्बो, मॉल में छोटा सा झगड़ा हो गया था। झगड़ा? उस झगड़े में तुम क्यों गए बेटा? वो हुआ ये था कि उस मॉल के झगड़े में अंजलि फंस गई थी, उसको बचाने गया तो बचाते समय चोट लग गई। बस सुब्बो, तो साहबजादे ने अंजलि को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। सुब्बो, अब तुम कहानी मत बनाना। सुब्बो, ए हीरो, सच बता, क्या तू अंजलि को बचाने गया था या लॉन्ग ड्राइव पर, वीकेंड पर, कॉफी डेट पर गया था? तो अब क्या करना है? मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। ओके ना, आपको जवाब मिल गया ना? भैया, ए हटना। भैया अंजलि, ए हटना, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। अंजलि, 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 छे, क्या पापा तुम भी ना? अब अंजलि क्या सोचेगी? इसमें सोचना क्या है, तुम्हारी बात सुनकर शर्मा कर चली गई वो। जैसा आप सब समझ रहे हो वैसा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है पापा। अरे अगर कुछ नहीं है तो शुरू हो जाएगा ना। सुन बेटा, तुम बोल ही रहे हो कि तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, वो लड़की तुम्हारी सही जोड़ी है, अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना। हे भगवान, अब इन लोगों को कैसे भरोसा दिलाऊं? मैं कितना परेशान हो गया था पता है? मारना होगा मामा जी, मारना होगा। क्या हुआ बेटी? अब इंतजार नहीं करना मामा जी, मुझसे इंतजार नहीं होता। जल्दबाजी मत करो बेटी, हमारा क्रोध किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज क्या हुआ देखा ना तुमने, मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ। वही तो, कब होगा मामा जी? उस देसाई को मारना इतना आसान नहीं है, पर हम उसे मारेंगे, उसे मरना ही होगा, और उसके मरने के बाद तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी बेटी, बस यही मेरी इच्छा है। लेकिन इस बार हम जो भी प्लान बनाएंगे वो फेल नहीं होना चाहिए। अरे मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप क्यों चिंता करते हैं? आपने मेरी जायदाद थोड़ी मांगी है, ना ही मुझसे पैसे मांग रहे हैं। एक ही मर्डर करने की तो बात है, मरवा दूंगा उसको किसी के हाथों। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया तो मिनिस्टर बनने का क्या फायदा। हाँ ठीक है ठीक है, रखू ना। हाँ, अरे रे रे रे, पिए सर, ये जमीन मेरी नजरों से आज तक कैसे बची रह गई। ए सर, नोट करके रख लो। हाँ। इसको पूरा अक्वायर करना है, समझे कि नहीं? वो नहीं हो सकता है सर। वो क्यों? ऑलरेडी लैंड अक्वायर हो गया ना सर। ऐसे कैसे हो गई, मुझे बताए बिना किसने अक्वायर कर लिया इसे? आप ही ने तो की है सर। अरे रे रे, हे ईश्वर, कहां कहां की प्रॉपर्टी मैंने एक्वायर की है, मुझे पता क्यों नहीं है। ओहो, नमस्कार नमस्कार। ए गन नीचे कर बकलोल, ए तू भी नीचे कर, हाथ में गन दे दिया तो क्या हमेशा ताने खड़े रहोगे? चलो पीछे रहो। नमस्कार देसाई साहब, इस तरफ कैसे आना हुआ? तुमसे थोड़ी बात करनी है। देखो, कोटी और मारी दोनों
मेरी दो आंखों की तरह। वो तो मैं जानता हूँ। आज तक इन दोनों ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने ना नहीं किया। अपना मारी एमएलए बनना चाहता है, इसलिए मैं। ऐसा है क्या मारी, मुझ जैसा गधा एमएलए बन सकता है? तो तुम तो इनके खास आदमी हो, तुम एमएलए क्यों नहीं बन सकते? अगला इलेक्शन टिकट किसे देना है डिसाइड करने के लिए कल तुम दिल्ली जा रहे हो। इतनी छोटी बात के लिए दिल्ली क्या जाना भाई, देसाई साहब ने अगर बोल दिया तो बात पक्की, मैं डील कर लूंगा ना। पिछले इलेक्शन में तुमने यही बात कही थी। क्या कहा? मैंने बोला था हाँ। तुम जरा भी चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी सीट पक्की है भाई। नहीं नहीं, फ्लाईओवर का भी टेंडर दिलवाओगे बोला था। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हाँ। मैं क्या करूँ, हाँ। ये जन सेवा जनार्दन सेवा, इतना टेंशन होता है कि भूल जाता हूँ। देखो भाई, मुझे खादी कपड़े और खाकी वर्दी पर भरोसा नहीं, इसीलिए राजनीति में हमारा एक आदमी होना चाहिए ये सोचकर तुम्हें पाला। अरे हाँ हाँ, ये तो आपका आशीर्वाद है। एक मामूली आदमी को आपने फुटपाथ से उठाकर लाल बत्ती की गाड़ी में बिठा दिया, आपका ये उपकार मैं कैसे भूलूंगा। मारी एमएलए बनना चाहिए और कोटी को टेंडर मिलना चाहिए, समझे? अरे बॉस, नई बाइक कब ली? ली नहीं है, चुराई है। चुप करो ना बॉस, कॉमेडी मत करो। कॉमेडी नहीं है, सच है। ये नई गाड़ी रोड पर खड़ी देखी तो उठा कर ले आया। मुझे पता है बॉस, तुम ऐसी चीप हरकत नहीं करोगे। मैं जो भी बोलूं मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? तो लो ये चाबी रखो, तुझे खुद पता चल जाएगा। अरे वाह, मैं रख लूं इसे? आपसे हर चीज तुम्हारी है, रख लो। थैंक यू बॉस। रख लो रख लो। दूसरों की लड़की हो या गाड़ी हो, चलाने का मजा तो कुछ और ही है। ओए, क्या है? ये गाड़ी मेरी है। तुम्हारी है? उस दिन मैं तेरी नौटंकी से डर गया था तो तू क्या समझता है आज तू मेरी गाड़ी उठा कर ले जाएगा क्या? नहीं सर, भगवान कसम मैंने नहीं। हाय अंजलि। हाय। हाँ, क्या बात है, कल घर आई और अंदर आए बिना वापस लौट गई? तुम्हें चोट लगी थी ना, वही पूछने चली आई थी। फिर पूछा क्यों नहीं? मैं जब आई थी तब आप तो ठीक हो गए थे। ओ, डिसअपॉइंट हो गई थी क्या? मतलब? नहीं नहीं, सोचा होगा कि मैं बेड रेस्ट कर रहा हूँगा, इतनी चोट जो आई थी ना इसलिए। क्या बात है, कल बड़े रोमांटिक मूड में बातें हो रही थी। सॉरी अंजलि, वो ना। सॉरी क्यों, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही बोलती। एक्चुअली मुझे ही तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। वो क्यों, रोमांटिक होकर बात करने के लिए क्या? मुझे बचाने के लिए। ओ थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ, अरे अंजलि जी। आप इस बात को कल मेरे मम्मी पापा के सामने बोल सकते थे? बोल सकती थी, लेकिन सोचा कि उस टाइम पर ये बोलना सही नहीं होगा। आप कभी भी बोलो, मेरे मम्मी पापा हमारे बारे में क्या सोचते हैं पता है? तो सोचने दो ना, इसमें गलती क्या है? हा?
का है जो मुझसे ये कह रहा। दिल की धड़कने बसा है तू, हाँ तू ही तू। सांस चलती बस तेरे लिए, आंखें झुकती बस तेरे लिए, दिल में है पे वार के। फिजा में है तेरी खुशबू, चाहतों के रंग तेरे लिए, मेरी बातों के ढंग तेरे लिए, दिल में है तेरे प्यार की बागरी धुन। तुझे देख कर सूरज उगे, भाई ने जो मांगा वो ना दे सके तो तुम्हारे मंत्री होने का फायदा, जाओ रिजाइन कर दो। क्यों भाई, तुम दोनों आज पूरी प्लान करके आए हो क्या कि मेरी बजानी है? ए, तुम जिस विधानसभा में बैठते हो वो सीट और ये पहनी खादी वर्दी देसाई भाई की भीख है, भूल गया क्या? अरे यार, तुम दोनों मुझे बोल रहे हो उससे क्या फायदा, ये सब किया कराया उस कमीने सोमा का है समझे। मैंने सोचा कि देसाई भाई को बताने से पहले तुम दोनों को बता दूं, क्योंकि तुम दोनों मेरी बात मानते हो। क्या सुने तेरी बात, हा? जाओ भाई को बोलो। ए, तुम उस सोमा को नहीं जानते, वो कमीना सेंट्रल मिनिस्टर के साथ मिलकर तुम्हारी सीट और तुम्हारा टेंडर ना देने की कसम खाई है। इसका मतलब उसे चाहिए नहीं, वो तुम दोनों को देना नहीं चाहता, इसीलिए ये सब कर रहा है। मेरी बात का भरोसा करो। सबसे पहले तुम एक काम करो, उस कमीने सोमा को मार डालो। उसको मारना कोई बड़ी बात है क्या? दो मिनट ही काफी है। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो, मार डालो ना। नहीं कोटी, जोश में बताओ, भाई को बताए बिना कोई काम मत करो। नहीं, तुम चुप करो मारी, तुम कुछ नहीं जानते हो। उसके एरिया में जाकर अगर उसे टपकाएंगे ना तो भाई खुद हमें शाबाशी देंगे। तो पहले वही काम करो। तुम यहीं रुको। हाँ, मामा जी जरा संभल कर। संभल कर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। Thank you.
भाई ये काम सोमा का ही होगा। मामा जी कोटी को किसने मारा होगा? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बेटी, शायद सोमा ने ही उसे मारा हो। देसाई के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, पर वो हमारे हाथों ना मर सका इसका बड़ा दुख है, पर हमें तो उसकी मौत ही चाहिए थी ना। ओए, अभी के अभी कॉलेज बंद करो। ओए, जब भाग, निकल, ओए, घर पे जाके पढ़ाई करो, जाओ यहाँ से, भाग, भाग, कोई नहीं दिखना चाहिए यहाँ। भाई शांत हो जाइए आप। शांत कैसे हो जाऊं मैं? कौन मरा है पता है ना? बाहर लोगों का सामना कैसे करना है उसी ने सिखाया था मुझे। चल भाग, गेट आउट। ठीक है भाई। चिका, तुम इतने दुखी क्यों हो? बॉस, फील्ड में तलवार कैसे चलाते हैं उसने मुझे सिखाया था। उसकी ताकत बिजली से कम नहीं थी। उसका मीटर 90 का क्वार्टर, 100 सांडों की शक्ति वाले मेरे गुरु को मेरी आंखों के सामने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा, तुम्हारी आंखों के सामने? तो फिर तुम क्या कर रहे थे? पॉकेट से गन निकालने में बस 2 मिनट लेट हो गया। क्यों लेट हो गया था भाई? गन लोडेड नहीं थी ना भाई। लोड होता तो क्या कर लेते? वो बोलूंगा नहीं, करके दिखाता। वहाँ जो भी करते यहाँ कर दो। आप रहने दो ना बॉस, जिसने मारा था उसे बताता। उसे मारने वाला मैं ही हूँ। काटा नहीं था, गोली मारी थी इसी गन से। बॉस, ए, बॉस, 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 कहाँ जा रहे हो? कोटी को मैंने ही मारा है ये देसाई को बताने जा रहा हूँ। लगता है ये मेरे को बेवकूफ समझ रहा है। भाई के सामने जाकर क्या बोलता है आज मैं भी देखता हूँ। हेलो, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। कोटी को मैंने मारा है, नेक्स्ट मारी को भी मारूंगा। माँ का सब मैंने नहीं बोला भाई। कोटी को मैंने मारा है, नेक्स्ट मारी को भी मारूंगा। यस 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 यस। उसकी आंखें, उसकी आवाज, हाँ, अब मुझे समझ आ गया कि वो कौन है। अब से खेल शुरू भाई। कौन है वो? वो कोई साधारण आदमी नहीं है। कोटी को मारकर मुझे वार्निंग देकर गया, मतलब वो किसी रिवेंज कैटेगरी वाला लगता है। वो तुझे भी मारने की धमकी देकर गया है। वो मुझे मारेगा? मैं ही उसे मारकर उसकी लाश कोटी को पिंडदान करूंगा। हाँ। Yeah.
भाई का आदमी हूँ। ना मैं भैया को जानता हूँ ना ही किसी भाई को। नई बाइक है कि कब ली? ली नहीं है, चुरा कर लाया हूँ। उसको मैंने ही मारा है, है? इसी गन से। नेक्स्ट मारी को भी मारूंगा। उसने जो कहा सच था, मैंने ही भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा मेरी तरह नाटक कर रहे, लेकिन कोटी को मार डाला, अमारी को मार डाला। मरने वाले लोग ऊपर पहुंच गए, जिसने मारा वो घूम रहा है। मुझे मेरा हश्र मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। देसाई के लोग भी मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं कहां जाकर मरूं? भाई आप कहां से हो भाई? हाय, तुम्हें अभी पूछना जरूरी है क्या? वैसे ये कौन सा शहर है? बागीपल्ली है भाई, 2 किलोमीटर जाओगे कड़पा आ जाएगा। हाँ, कड़पा आएगा? हे भगवान, मैं बॉर्डर क्रॉस करके आ गया हूँ। कहाँ जाना है भैया? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग जाओ यहाँ से। भाई देसाई के भाई का कातिल कौन है आपको पता है क्या? माँ कसम मुझे कुछ नहीं पता। देसाई के लोग उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी आएंगे। तो सारे स्टेट में मुझे ही ढूंढ रहे हैं। वो लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, आपको कैसे पता? हम भी देसाई के आदमी है भाई, उसे ढूंढ रहे हैं। मिल गया तो ना, ये देखो ये बॉल है। माँ कसम मैं नहीं जानता। गली गली शहर के हर कोने में कहां है वो, ढूंढो उसे, उसकी आंखें, उसकी आवाज मुझे चाहिए। जाओ। लक्ष्मण, पापा, मैंने आपसे एक सच छुपाया है सुब्बू। कैसा सच? हमारी आंखों के सामने उसका सर काट दिया तूने, ये सब क्या है? हाँ, मैंने उसे क्यों मारा आपको पता है सुब्बू? देखो, इन सब का भी टाइम नहीं है, पहले मैं इस शहर को छोड़ना होगा। चलो चलो। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा। पापा आप नहीं समझोगे, पापा आप जाइए। तूने किसी ऐरे गहरे को नहीं मारा है, बैंगलोर के डॉन के राइट हैंड को मारा है। बेटा, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। बेटा, मैं तेरा हाथ छोड़ता हूँ, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। पापा, मेरी बात 2 मिनट के लिए सुनिए ना। लक्ष्मण, तुम कुछ मत बोलो बेटा। देखो, तुमने किसी का खून नहीं किया है और हमने भी कुछ नहीं देखा, तुम्हें कुछ नहीं कहना। चलो हमारे साथ, चलो बेटा, प्लीज चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। मैं बैंगलोर आया था सिर्फ उन्हें ही मारने के लिए। मेरा बेटा ऐसे नहीं है। मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं हूं मां। मुझे माफ कर दो माँ, बचपन में मैंने झूठ कहा था कि मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, वो सब मैंने झूठ कहा था। हाँ। यही माँ, मैं यही पैदा हुआ था, मेरा बहुत बड़ा परिवार था। मैं अभी जिस कॉलेज लाइब्रेरी में जाता हूँ, वो एक समय पर हमारा घर हुआ करता था माँ। हमारा घर ईंटों से नहीं बना था माँ, मेरे पापा ने अपने प्यार से संजोया एक प्रेम महल था। उस प्रेम महल को बनाने वाले मेरे पापा ACP रणधीरा। पुलिस के पास बेल्ट में शेर टोपी पर शेर होता है, लेकिन मेरे पापा खुद शेर थे।
सभी वॉर में सेना को लेकर आते हैं, लेकिन मेरे पापा वन मैन आर्मी, सिंगल सिपाही। हमारे घर के बुजुर्ग थे दादाजी और दादी। हमारे घर में सब बिना किसी भेदभाव के प्यार, सुख, शांति, सब लोग मिलकर एक साथ रहते थे। हमारे परिवार में बुआ की बेटी अंजलि को बहुत पसंद करता था मैं। मैं जो भी करता था वो भी वही करती थी। आराम से बेटा, आराम से। अरे अरे अरे, क्या हुआ? आप ही ना, कितनी बार कहा लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते हो। क्या किया आपने? कहीं गिर जाता, चोट लग जाती तो? देखिए ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? पुलिस ऑफिसर होकर भी बच्चों की तरह हरकत करते हो। देखो क्या हो गया। नहीं पापा। भैया आपको तो बस एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, आप बच्चों के साथ बदमाशी करने लगते हैं। अरे बहन, आपको जो करना था वो कर दिया, आप हमें समझा रहे हो? सबका हो गया है। तू क्या चुप है? तू भी डांट मार ले इसे। ए दादी, तुम चुप रहो। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप चुप रहिए। क्या बोला? ठीक है, जिसको जो बोलना है एक बार में ही बोल दो। पापा हमें कुछ नहीं हुआ है, हम सब ठीक हैं। हाँ मामा जी, हमें कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए। बड़े पापा, जैसे आप सबको पनिशमेंट दिलवाते हो ना, वैसे ही आपको पनिशमेंट मिले इसलिए हमने नाटक किया था। देखा, तुम सबके सब मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, आज पता चल गया तुम लोग कितना प्यार करते हो मुझसे। सॉरी सॉरी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम देसाई है, लोग मुझे भैया बुलाते हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठिए बैठिए, खाना खाते समय भी भाई आए तभी भी खड़े नहीं होना चाहिए, बैठिए। घर के खाने की खुशबू, खाना खाए कितने दिन हो गए पता है? इस घर के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेरे पास भी तो दूसरी जगह नहीं है ना। ए बुड्ढे, हमने क्या बोला था तुझे? हमें बस ये जगह चाहिए, इतनी सी बात पर एसीपी को कंप्लेंट करोगे? ये तो गलत है ना। देख बुड्ढे, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, तुम और हम साथ रहेंगे, लेकिन मुझे ये घर चाहिए। अब जो पैसे दोगे उसका क्या मूल्य है भाई? हम गरीब हैं, बहुत परेशानी में हैं। दादाजी, आपको आखिर क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी बेटी की शादी। ओ बेटी की शादी। प्रॉब्लम सॉल्व। और क्या प्रॉब्लम है आपको? ओ छोटी बेटी ना। अरे भाई रुके, क्या कर रहे हैं आप? वो बहुत छोटी है। क्यों रे, तुझे छोटे बच्चों से लगाव है क्या? नहीं भाई, बस बहुत दिनों से मेरे माइंड में एक इच्छा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो बहुत छोटी है, छोड़ दो उसे, मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। दादाजी, मैंने पहले ही कहा हमसे पंगा मत लो, वो मेरा भाई है, बस अपनी इच्छा पूरी करना है। एक ओटी, वो अपनी इच्छा पूरी करके आएगा, तुम चलो। Thank you.
इस रणधीरा को हाथ दिखाकर बात करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। सबसे एलर्जी है मुझे। अरे वो काम मुझ पर छोड़ दो, ये काम भी तो दूसरों की तरह ही है ना। मुझ पर भरोसा तो रखो। हाँ बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ क्या भाई एसीपी, आओ आओ बैठो बैठो। सर मुझे ये चाहिए। अरे इसको ले जाकर क्या करोगे? प्रमोशन चाहिए तो मैं दिला देता हूँ भाई। सर मुझे ये लोफर चाहिए, इसने एक छोटी लड़की का रेप किया है। ये भी तो छोटा लड़का है, जवानी का जोश है, गड़बड़ हो जाती है। फिर एक काम करो, अपनी बीवी को इसके पास भेज दो। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ दिमाग खराब हो गया है मेरा, जो तुझ जैसे से बात कर रहा हूँ। दिमाग खराब है मेरा। इसका एनकाउंटर करने के बजाय मैं तेरे से बात क्यों कर रहा हूँ? दिमाग खराब हो गया है क्यों रे? छूट दे रहा हूँ तो बहुत बोल रहा है तू, अपनी औकात में रह। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरा, लेकिन मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है तुझे पता नहीं है? पावर कौन है तू? तू भगवान है क्या? बस एक लीडर क्या बन गया तो तू कुछ भी कर सकता है क्या? ऐसे हरामी को अपने अंडर में रखकर एमपी एमएलए बनकर इनके साथ मिलकर देश को नीलाम कर रहे हो? हाँ तो हम राजनीति वाले हैं, हम ऐसे ही करेंगे। लोगों ने हमें वोट देकर जिताया है, जब तक जनता हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कर अपना रामायण, एक छोटा सा हिसाब बताता हूँ समझ ले। 2 लाख के इस छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 4 पार्टी के लोग हैं। 2 जने इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करते हैं, उनमें से सब लोग थोड़ा थोड़ा वोट देते हैं, तो तेरे हिस्से में क्या आता है? सिर्फ 40,500 वोट। उसमें भी 10,000 वोट तेरे लोफर लोग जबरदस्ती डलवाते हैं। मतलब 2 लाख में 30,000 गए तो 1,70,000 लोगों को तेरी जरूरत नहीं है। तो तू अपने आप को जननायक कैसे मानता है? लेक्चर दे रहा है क्या तू? हाँ दे, ऐसे लोग ही मेरे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। इनके लिए मर्डर करनी पड़े, दादागिरी करनी पड़े, सब कुछ करूंगा मैं, तू क्या करेगा? हम राजनेता लोग नहीं रहेंगे तो तू भीख मांगेगा, भीख, समझा? जा 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 यहाँ से। ए एसीपी, ये क्या कर रहा है? रुक जा। नहीं सर, ये मेरा खास आदमी है। सर ये मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भगवान समान मंत्री को इस साइको ने मार डाला। सर, अरेस्ट हिम। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। सर सुनो, अगर तुम्हें लगे इसे मारकर मैंने गलत किया तो कोर्ट में सच बोलना, और अगर सही लगे तो कोर्ट में झूठ बोलना। मेरी बात मानो देसाई, जोश में आकर अगर तुमने कोई कदम उठाया और उसकी नजर में आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो किसी की परवाह नहीं करता अपनी फैमिली को छोड़कर। फैमिली? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन है ये? बकासुर है क्या? सही कहा, मेरा नाम देसाई है, लोग मुझे भाई बोलते हैं। मैं, कोटी, मारी और मेरा भाई दया, हम 4 लोग मिलकर छोटा मोटा कब्जा करते हैं, मर्डर करते हैं और कभी कभी दंगा भी करवाते हैं। अभी उसी को मना कर दोगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? हमें भी तो जीना है। क्या चाहिए तुम्हें?
ये सब हमें क्यों बता रहे हो? दादाजी वो क्या है ना, मेरी जान से भी प्यारा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे भाई को एसीपी ने अंदर डाला, उसे सिर्फ बाहर निकलवा दीजिए बस दादाजी। ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो, अगर आप लोग बोलेंगे तो एसीपी जरूर सुनेगा। ओहो, आपका तो बड़ा परिवार है, बच्चे भी है। आपके घर से कोई एक भी मर जाए तो आप सह नहीं पाओगे, बस वैसी मेरी हालत है। मेरे बेटे के आने का समय हो गया है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना यहीं मारे जाओगे। मरेंगे हम लोग नहीं, तुम लोग। देखा, ये है मेरा परिवार, इधर तुझसे डरने वाला कोई नहीं है, तुझे मारने के लिए ये बच्चे ही काफी हैं। तेरा एनकाउंटर करने का समय नहीं आया है। ए, लेके जाओ इसे। ए, चल, चल। क्या पापा बच्चों को यही सब सिखाते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, ये लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। क्या अंजलि, तूने भी तलवार उठा ली? लक्ष्मण ने भी उठाई है, देखिए ना। ना लक्ष्मण, ये तुझे हर जगह फॉलो करती है, सुधर जाओ तुम लोग। मेरी दुनिया है ये हीरे, ईश्वर तुझसे क्या मांगू, इनकी मुस्कानों में ही बसता मेरा सुकून। प्यार से बंधा सारा परिवार मेरा, खुशियों के रंग सब बिखरे, दर्द हो किसी को आंखें नम सब की, दुख सुख में है संग सबके। मेरी दुनिया है ये हीरे, ईश्वर तुझसे क्या सब है कलिया, करती अठेलिया चंचलपन में खेल है ऐसे, ईश्वर का यह रूप मन में कितनी उमंगे, ये तो किसी सिन कमरे, सूरज की यह किरणें रोशनी फैलाए। निकलवाने के लिए मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, वो मर गया तो ठीक है, पर अगर वो नहीं मरा तो हम सबको एक साथ खत्म कर डालेगा। वो तो मरेगा ही, साथ ही उसका परिवार भी। धरती पे ही स्वर्ग बना है ये घर मेरा। हाँ, मेरा स्वाभिमान तू ही है, Okay.
के हम तुम सारे, मुश्किल में बनेंगे सहारे, कितने भी तूफान आए हम ना हारेंगे। मेरी दुनिया है ये हीरे, ईश्वर तुझसे क्या मांगू, इनकी मुस्कानों में ही बसता मेरा सुकून। प्यार से बंधा सारा परिवार मेरा, खुशियों के रंग सब बिखरे, दर्द हो किसी को आँख नम सब की, दुख सुख में है संग सबके। हाँ बेटा ठीक है। हफ्ते में एक ही संडे होता है ना, दो नहीं। जा जा के सो जा, कल सुबह जल्दी भी उठना है। मामा जी मामा जी, ये क्या हो गया मामा जी? दुख अपने मन में रखकर तू आज तक शांत कैसे था बेटा? आपके प्यार की वजह से पापा, आपके प्यार ने मेरे सारे जख्मों को भर रखा था पापा। उनसे बदला लेने की आग मेरे मन में कभी भी खत्म नहीं हुई। उस दिन अगर आप मुझसे नहीं मिले होते तो या तो वो मेरे हाथों से मारा जाता या मैं मर जाता, दोनों में से एक ही जिंदा रहता। उन्हें खत्म करने के लिए भगवान ने मुझे आज तक जिंदा रखा है।
क्या हुआ अंजलि? मामा जी, हमारे परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा, क्या ये सच है? वहां जो घटना हुई थी उसमें किसी का भी बचना मुमकिन नहीं है। पता नहीं मामा जी, बुद्ध की मूर्ति को कोई और भी फूल चढ़ाता है, ऐसा तो हमारे परिवार को छोड़कर कोई भी नहीं करता। पता नहीं ये कौन करता है। कॉलेज जाने से कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे हमारे परिवार से कोई ना कोई जिंदा तो जरूर है। अंजलि, वो लाइब्रेरी पहले हमारा घर था, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगता होगा। नहीं मामा जी, तो फिर उस मारी को किसने मारा? जैसे कि किसी का पुराना हिसाब हो, उस दुश्मनी से मारा, कहीं वो हमारे परिवार से तो नहीं? ऐसा सोचना तो ठीक है, पर उससे सच मानने से दुख और ही बढ़ेगा बेटी। पता नहीं मामा जी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अरे पगली, चल मान लिया कि कोई और बचा है, फिर वो हमसे क्यों नहीं मिल रहा है? बोलो, सब अच्छा होगा। इतना बड़ा दुख आप कैसे झेल रहे हैं? कोटी और मारी को एमएलए बनाकर माला पहनाकर ओपन जीप में घुमाऊंगा सोचा था, उनकी फोटो पर माला चढ़ाऊंगा कभी नहीं सोचा था। इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया साहब जी? मुझे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा। सर, आपको किसी पर डाउट हो तो बताइए सर, अगर एक छोटा सा क्लू भी मिल जाए तो। क्लू मिल जाएगा तो क्या कर लोगे तुम? उस ग्लू की आरती उतारकर प्रसाद की तरह खाओगे क्या? ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? सर, खूनी के बारे में एक क्लू दे दीजिए सर। खूनी का इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय यहाँ भाई का इंट्रोगेशन करने आए हो तुम? भाई के सामने आकर गार्ड की तरह सैल्यूट मारने की जरूरत नहीं है। भाई को या भाई के लोगों को क्या परेशानी है ये देखना तुम्हारा काम है। जाओ, जाकर अपना काम करो। वो चाहे कोई भी हो, चाहे जहाँ भी हो, वो मुझे तुरंत यहाँ चाहिए, नहीं तो तुरंत डिसमिस करवा दूंगा। भाई जी, पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर दूंगा, 24 आवर्स सिक्योरिटी दिलवाऊंगा। आप घबराइए मत भाई जी, आपको चाहिए तो अपनी जान भी दे दूंगा। देखो, अपनी जान मुझे दे दो, मेरे मारी की जान, मेरे कोटी की जान भी चाहिए, मुझे दोगे क्या? दो। सर, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए सर। ओए, अगर एक हफ्ते का टाइम दूंगा तो मेरे मारी और कोटी की जान ला कर दोगे क्या? इस मामले में मुझे पुलिस के इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। मारने वाले को पकड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कब्र तो मैं खुद ही तैयार करूंगा। ओ छोटू, फिक्र रुकी ना, अपने घर पर पहरे के लिए लगवा ले। आउट, आउट। साई को कहीं का वो कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन इसे पक्का मारेगा जरूर, तब उसे अरेस्ट भी नहीं करूंगा। ऐसे क्रिमिनल्स को मारने के लिए उन लोगों का एनकरेजमेंट करना चाहिए। ए पुलिस वाले भाई, मेरे मन की बात तुम्हें कैसे पता चल गई? तुम मन की बात सुनते हो क्या? क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। बहुत पसंद हो।
सॉरी सॉरी मैंने देखा नहीं था। सॉरी अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पर मैं ये बात तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे दिल ने न जाने तुमसे कैसे प्यार कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ए, कौन है ये? ना लायक कहीं के काट डाल तुम सबको। जॉनी, जॉनी फ्रॉम बॉम्बे सिगरेट। यहाँ क्यों आया है? अब तुम्हारी समझ में आया गधे के बच्चों? मणि भाई का मर्डर किसने किया था, इस बात की इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। मेरा कितना बड़ा कलेजा है पता है, और कितनी बड़ी किडनी है समझा? ए, मर्डर करने वाले को मैंने देखा भी था और उसका पीछा करके उसे पकड़ भी लिया था। सिगरेट आली जी, सिगरेट क्यों फेंक देते हो? ले तू ही रख, मैं चलता हूँ। हेलो मिस्टर देसाई, एक्सक्यूज मी। कौन है ये भाई? इसने मारी के कातिल को देखा है। अच्छा, कौन है वो बताओ बताओ। अच्छा सच में तुम ऐसा बोलोगे कि बोलो 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 तो मैं बोल दूंगा क्या? पहले 5,00,000 रुपए मेरे सामने रखो, उसके बाद पूछो कि भाई प्लीज बता दो, तो मैं सोचूंगा कि तुम्हें बताना है कि नहीं। समझ गए बच्चू? तब से देख रहा हूँ भाई के सामने आवाज उठा रहे। रुको, कौन है रे तेरा भाई? लोग इसको इतना सीरियसली क्या ले रहे हो? ऑटो, ये तो पूरा पागल है। तुम लोग क्या पागल हो रहे हो? समझ में ये बात नहीं आई नालायको? ये कम से कम कॉमेडी तो अच्छा करता। कॉमेडी? हेलो, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ समझे। मिस्टर देसाई, तुम इस बात को लेकर बहुत टेंशन में हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये माफिया तुमसे भी खतरनाक है, तुझे काट डालेगा। हाइट कम है समझा, नहीं तो फुटबॉल फुटबॉल का प्लेयर होता। तुम किससे बात कर रहे हो पता है तुम्हें? कौन है तेरा भाई? तेरा भाई मेरे लिए बस एक छोटे से मच्छर की तरह है, छोटा सा मच्छर। ये कहाँ का भाई है रे? मुझे क्या तुम लोगों ने बैंगलोर के पागल खाने से आया हुआ समझ रहे हो? बॉम्बे के सारे डॉन लोगों को अगर मलेरिया हो जाए तो आकर पूछते हैं भैया क्या करूं, तो मैं उन्हें बताता हूँ ये मेरा पावर है। ये तुम्हारा भाई छोटा सा मच्छर मेरा क्या बिगाड़ रहा है? अगर इसकी बातें सच है तो इसकी बॉडी लेकर आना, और झूठ बोल रहा है तो इसकी बॉडी को बॉम्बे पार्सल कर। भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाने में उनके बारे में बहुत कुछ बोल दिया, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाई। घर वो रहा घर, ये ले चल इसको। ये क्या, घर में तो ताला है? ताला लगा हुआ है सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, उन्होंने यहीं से ऑटो किया था सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे इतना ही पता सर, मुझे माफ कर दीजिए। कौन हो सर आप लोग? घर वाले सारे कहाँ गए? घर खाली करके चले गए सर। कहाँ गए? हुबली गए सर। कैसे गए? कार से गए हैं सर। कब गए? अभी 10 मिनट पहले सर। सच में ना? हाँ सर। ये तो क्या, बिना मतलब का फंस गया था, हे भगवान बच गया। ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुन बेटा। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए पापा, मेरे अलावा उसे कोई नहीं मार सकता पापा, मेरे परिवार की शांति के लिए मुझे उसकी बलि चढ़ानी होगी, आप लोग जाइए प्लीज। कुछ कहो ना तुम। देखो लक्ष्मण, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना हम सब साथ यहीं पर रहेंगे। माँ, बचपन में मैं एक बार अपना परिवार खो चुका हूँ माँ, पर अब मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ माँ, भगवान के लिए समझो माँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, जाओ पैकिंग करो। पापा चाहता है कि हम बस जिंदा रहे, लेकिन हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, क्यों नहीं समझ रहा? पापा ऐसी बात नहीं है पापा, मुझे भी आप लोगों के साथ खुशी से रहने का मन है, लेकिन जल्दी जल्दी चलिए।
इधर इधर पापा जल्दी आइए, यहाँ यहाँ छुप जाइए आप लोग। लक्ष्मण रेखा बना दी है, लक्ष्य बना दूं पीछे नहीं हटूंगा, इस रेखा को पार नहीं करने दूंगा। लक्ष्मण कलयुग का लक्ष्मण हूं मैं, आ जाओ। क्या देसाई घोर रहा है, आजा बैठ जा। तुझे वार्निंग देने वाला कोटी और मारी को मारने वाला मैं ही हूँ।
वो ट्रक में बॉडी का ढेर नहीं देखा क्या? देसाई, तुम्हारे लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। अरे हाँ, मुझे मारने के लिए 100 लोगों को भेजा है। तुम में से कोई फ्री है तो जाओ वहाँ से उन लाशों को समेट कर ले आओ। कौन है तुम? ओह, रणधीरा के कुल का कुलदीप। अरे खून का हर कतरा तेरी मौत का इंतजार कर रहा है। मेरे 2 लोगों को मारकर मेरे ही घर आकर मेरे ही सामने बैठा है तू। तुझ में बहुत दम है। क्यों, तुझे देखकर डरना था क्या? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अकेले ही आया हूँ, मेरे पास मेरी जान के अलावा कुछ नहीं है। मारेगा? मार, तेरे सामने बैठा हूँ, मार दे वरना तेरे सारे आदमियों को मार दूंगा। मार मुझे, मार, मारना मुझे। अगर तूने मुझे अभी नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। दबाऊं ट्रिगर, दबाऊं, दबाऊं, दबाऊं ट्रिगर। दादागिरी करने के लिए कलेजा होना चाहिए, गुंडागर्दी करने के लिए दम होना चाहिए। इस लक्ष्मण को छूने के लिए असली मर्द बनना पड़ेगा। डर लग रहा है देसाई? राइट में मारूंगा, लेफ्ट में मारूंगा, सेंटर में मारूंगा, गोली मारूंगा तो सीधे तेरी खोपड़ी में घुसेगी। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा देसाई। एसीपी के बच्चे, मुझे मौत से डर नहीं लगता। हाँ, डर नहीं लगता है तो कुत्ते क्यों पाल रखे हैं? तुझे मौत से डर लगता है, इसीलिए मुझे मारने के लिए इतने लोगों को भेजा था। तेरे 2 खास लोगों को मार दिया तो तू इतना दुखी हो रहा है? तूने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। तुझे तेरी जान से प्यारे भाई को तेरी आंखों के सामने मारूंगा। तब उस दर्द में तू तड़प तड़प कर मरेगा। तेरी आंखों में मुझे और डर देखना है। ओ देसाई, अगर तुझ में दम है तो दुबई से अपने भाई को यहाँ बुला, वरना मैं खुद बुला लूंगा। उसे तेरी नजरों के सामने ही मार दूंगा। लगता होगा पर मुझे मौत बहुत पसंद है। कल इसी वक्त तक मेरा भाई मेरे सामने चाहिए। ढूंढो ढूंढो, पूरे हुबली में ढूंढो। वो जहां कहीं भी है उसका परिवार मुझे चाहिए। ढूंढो। आ गया मेरा भाई। How are you? ये सब क्या है भैया? हमारे 2 आदमियों को मारकर घर में आकर वार्निंग देने वाले को ऑन द स्पॉट मारने के बजाय आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने? उसे मौत पसंद है इसीलिए। मौत तो मुझे भी बहुत पसंद है। वो कहाँ है मुझे बताइए भैया। कूल, वो सेंटिमेंट्स छोड़कर किसी और के सामने नहीं झुकेगा। उसने अपने पालने वालों को यहाँ से भगा दिया है। तुझे मेरी आंखों के सामने मारेगा कहा उसने। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो ये बात यहाँ तक आती ही नहीं। कूल कूल दया। मौत से हाथ मिलाने वाले सिपाही का बेटा है वो। उसकी मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। उसको सेंटिमेंट से ही मारना होगा। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः। आप अपना गोत्र बोलिए। रणधीरा। रणधीरा नामस्य केंचल गोत्र। केंचल गोत्रस्याः। पंडित जी, क्या है बेटी? आज इसी नाम से किसी और ने भी पिंड दान दिया है क्या? किसी ने नहीं दिया है। ओ,
पंडित जी बोलिए, क्या करना है? पिंड दान करना था। बैठिए। आचार्य जी आप जाइए, मैं करा देता हूँ। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए। दो बेटा। गोत्र बताओ बेटा। केंचल गोत्र। क्या केंचल गोत्र कहा? हाँ पंडित जी, यही गोत्र है। और नाम क्या है? रणधीरा और सुमन। इसी नाम से, इसी गोत्र से दो लोग अभी पिंडदान करवा कर गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, यही गोत्र और यही नाम? हाँ, इसी गोत्र से एक लड़की और एक व्यक्ति यहाँ से पिंडदान करवा कर गए हैं। अब मेरे साथ नहीं है, ये बात मुझे चुभती है। अंजलि, लकी, मामा जी, क्या हुआ बेटी? लकी, ये लकी है। तुम्हारे बारे में हमेशा बताती रही। चलते हैं, कभी वक्त हो तो घर आना बेटा। मामा जी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अब अकेला हूँ। नहीं अंजलि, अंजलि, I love you। जाने कैसा कनेक्शन है, सर पे चढ़ी टेंशन है, अब ना मना कर तू गोरी, बात दिल की दिल ही में तू सेट कर लेना। मन चली है तू नाचेगी बन के, चालो तोड़ो ना यू दिल हमारा, किधर जाए किधर तू आ रे, दिल में आग लगे। ए आरे 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 शिव लक्ष्मी शुगर पाओ, शु शु शुगर पाओ, शु शु शुगर पाओ, जारे 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 ना कर तू काओ काओ, ओ जब से देखा तुझको मेरा दिल कंफ्यूज हो गया। ओ नफर सुन ले तूने मुझसे परमिशन है ली क्या, दिल में तू री में तू कहाँ जाएगी बच के, आरे 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 शुभ लक्ष्मी शुगर पाओ, शु शु शुगर पाओ, शु शु शुगर पाओ, खा लो सेल्फी तो ले लो, टाइम पास करने को अपलोड करती हूँ, चिप्स को मिलने दो, चिप्स को तो चख लो।
संग तेरे प्यार में डूबेंगे, तब तेरे हले हले खेलेंगे हम आँख में चले, धीरे धीरे पास आके जल्दी से तू मुझे पटा ले, चर्चे होंगे तेरे मेरे गली गली हर मोहल्ला, अरे 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 शुभ लक्ष्मी शुगर पाओ, शु शु शुगर पाओ, शु शु शुगर पाओ, शुगर पाओ, शुगर पाओ। सुब्बू, मेरे परिवार के दो लोग अभी भी जिंदा हैं। सुब्बू, तू सच बोल रहा है बेटा? नहीं पापा, मरना और मारना मेरे तक ही खत्म हो जाना चाहिए पापा। मैं जिंदा हूँ जानकर अगर उन्हें कोई तकलीफ हो गई तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा पापा। सुनो, तुम जिंदा हो उन्हें ये पता होना चाहिए, उन्हें पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे, पहले जाकर उनसे मिलो। ऐसा क्या पापा? हाँ बेटा। ठीक है पापा। अंजलि? यस करेक्ट। एक को ढूंढता हुआ कॉलेज गया था, उसकी क्लोज फ्रेंड तुम हो जानकर तुम्हें उठाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। क्या हुआ, तेरा और उसका चक्कर चल रहा है, है? तेरे बॉयफ्रेंड ने क्या क्या पता है? मेरे भाई के दो लोग कोटी और मारी को मारकर मेरे भाई को ही वार्निंग देकर आया है, पता है? पता है तुझे? मामा जी। क्या हुआ? कि तीन लोग जिंदा है, यानी पूरा परिवार ही जिंदा है। तीन लोग? तीन लोग जिंदा है? ए, ये क्या ड्रामा चल रहा है? हाँ, कहाँ है वो? कौन? मेरे भाई को वार्निंग देने वाला तेरे भाई का बेटा। मेरे भाई का बेटा जिंदा है? मामा जी, हमारा लक्ष्मण जिंदा है। मैंने आपको बोला था ना, मेरा कहा सच हो गया, हमारा लक्ष्मण जिंदा है मामा जी। मतलब वो जिंदा है और तुझे कुछ पता ही नहीं है? तो फिर वो उसके माँ बाप बहन वो कौन सी फैमिली है? अब समझ गया, सब समझ गया। वो संबंध है और ये खून का संबंध है। तू उसकी प्रेमिका है और उस सेंटीमेंट में अटैक करने आ गया वो, यहाँ मुझे उसकी जान ही मिल गई। तुम लोगों को पकड़कर अब मैं किस रेंज में गेम खेलूंगा देखना। अंजलि, पकड़ो, पकड़ो। जल्दी आइए।
कहा ना कि मैं जाओ मतलब जाओ अंजलि अंजलि जाओ मामा जी जाओ। मामा जी भागो अंजलि पकड़ो से पकड़ उसको पकड़ उसको पकड़ ये करनी क्या जल्दी उसे उठाकर घर ले आना चाचा जी लक्ष्मण चाचा जी लक्ष्मण चाचा जी चाचा जी चाचा जी चला जाओ चाचा जी सोचा था लक्ष्मण चाचा जी हम हॉस्पिटल चलते हैं चाचा जी चाचा जी चाचा जी पहले तुम अंजलि को बचाओ लक्ष्मण चाचा जी पहले तुम जाओ और उसे बचाओ मैं मर जाऊंगा इसकी चिंता मत करो लक्ष्मण चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी क्या हुआ ऐसे क्यों घूर रहा है कूल अंजलि कहाँ है अंजलि कहाँ है इस खून में अलग ही पावर है पावर अंजलि कहाँ है मुझे और खून चाहिए खून अंजलि कहाँ है तेरी हिम्मत और पावर के बारे में मुझे पता है इसीलिए मैंने उसे यहां नहीं रखा अंजलि अंजलि अंजलि
बचपन में अलग हुए और अब बिना एक दूसरे को पहचाने एक हो गए। ये लो, अभी भी तू कौन है वो नहीं जानती। नहीं जानती। आखिर तक तुम दोनों को मिलने नहीं दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं। अंजलि कहाँ है बोलो। वो भी बिल्कुल तेरी तरह टॉर्चर से रही है। क्या रे, दर्द हो रहा है? तेरी आखिरी इच्छा क्या है? क्या तुझे उससे बात करनी है? रुक रुक, बात कर ले। ओके, माइक। ए, बात कर, बात कर, बात कर। हेलो अंजलि। लक्ष्मण। अंजलि, अंजलि तुम कहाँ हो? अंजलि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? लक्ष्मण। ना, मैं हूँ लक्की, लक्ष्मण। अंजलि लक्की, लक्ष्मण, लक्ष्मण। हाँ। मेरा लक्ष्मण। हाँ अंजलि। लक्ष्मण, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, बस एक बात मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ लक्ष्मण। अंजलि कहाँ हो तुम? कहाँ हो अंजलि? लक्ष्मण। कहाँ हो तुम अंजलि? अंजलि तुम कहाँ हो अंजलि? नहीं लक्ष्मण, मेरे बारे में मत सोचो, मार डालो, सबको मार डालो। एक को भी जिंदा मत छोड़ना, मैं मर भी जाऊं तो चलेगा, हम दोनों उन्हें खत्म करने के लिए ही जिंदा हैं, उन्हें मत छोड़ना। एक एक की जान ले लेना लक्ष्मण, टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर लेना। अंजलि कहाँ है बोलो। चीखने के अलावा और कर भी क्या सकता है तू? अंजलि कहाँ है ये बताओ। बता दिया तो बचा लोगे? तो फिर जा, तुम्हारे घर में ही है, वही लाइब्रेरी में। जाओगे, बचाओगे, तू वहां पहुंचने तक ना वो जिंदा रहेगी और ना तू जिंदा रहेगा। अगर मुझे मरना भी होगा तो तुझे मारने के बाद। कैसे 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 खत्म करेगा? अंजलि जब तक मेरे पास है तब तक तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मरने वाला फिर भी मारने की बात करता है, कैसे कैसे मारोगे? मेरे भैया के सामने मुझे खत्म कर देगा, ऐसा चैलेंज किया था ना तूने? मैं भी यहीं पर हूँ, मेरा भैया भी यहीं पर है, मार मार के दिखा मैं। ये ले, लेना। अरे ले गन, मार। अरे मार, इधर इधर मार। अरे मारना प्लीज, प्लीज 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 मारना भाई, मारना मुझे तू। बोलो ना। ए, सब लोग गाड़ी निकालो। चलो चलो चले चलो। Yeah.
अंजलि तुम जाओ यहाँ से, इन्हें तो हम लोग देख लेंगे। ये लो अंजलि, संभल कर जाना। थैंक यू। Oh!
मुझे कुछ नहीं होगा।